जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। आज की डेट है 19 अगस्त 2023। आज की सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और 18 अगस्त करंट अफेयर को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस वीडियो, एंड तक ज़रूर देखना। इम्पोर्टेंट हो सकता है कोई भी एग्जाम के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, रिसेंटली हु लॉन्च द विश्वकर्मा योजना। अभी रिसेंटली हमने दिखा है विश्वकर्मा योजना किसने लॉन्च की है। सो याद रखना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नरेंद्र मोदी। याद रखना नरेंद्र मोदी ने जो कि विश्वकर्मा योजना लॉन्च की है, प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली लॉन्च की है, अनाउंस की है इसके बारे में इंडिपेंडेंस डे पे। और ये जो स्कीम का मेन एम है, इसका मेन एम है एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट एंड स्किल एनहांसमेंट टू ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्स पीपल। इसके लिए ये लॉन्च की गई है, ये प्रोग्राम नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई है विश्वकर्मा योजना, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ द ह्यूमनॉइड रोबोट दैट कैन सेफली पायलट एन एरोप्लेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्योंकि कौन सी ह्यूमनॉइड रोबोट, उसका नाम क्या है जिसके थ्रू एरोप्लेन को सक्सेसफुली और सेफली पायलट करेगा। ये जो ह्यूमनॉइड रोबोट ये जो देख रहे हैं उसका नाम क्या है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पाइवोट। याद रखना उसका नाम है पाइवोट और ये KAIST ने बनाया है, यानी कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बनाया है पाइवोट ह्यूमनॉइड रोबोट। ये ह्यूमनॉइड रोबोट है एक जिसके थ्रू ये एरोप्लेन को पायलट करेगा और सेफली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हिच स्टेट अबुआ आवास योजना हैज बीन लॉन्च्ड। कौन सी राज्यों में जो कि अबुआ आवास योजना लॉन्च की गई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, झारखंड। याद रखना झारखंड का सीएम का नाम है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ने अनाउंस की अबुआ आवास योजना, एक हाउसिंग इनिशिएटिव, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस नेक्स्ट 2 ईयर में। याद रखना नेक्स्ट 2 ईयर में इसका बजट, ये जो कॉस्ट लगेगा 15,000 करोड़ से ज़्यादा कॉस्ट लगेगा इसमें जो कि दी जाएगी, तीन कमरा दी जाएगी। इम्पोर्टेंट है ये जो आवास है, अबुआ आवास योजना जो कि झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने ये लॉन्च की है। और याद रखना ओडिशा गवर्नमेंट ने एक लॉन्च की थी, याद रखना अभी रिसेंटली हमने उसके बारे में डिस्कस की थी। याद रखना मो जंगल जमी योजना, ये जो कि ओडिशा सरकार की है, जो कि रिसेंटली लॉन्च की थी। और UP CM, याद रखना UP CM उसका नाम है आदित्यनाथ, याद रखना उन्होंने लॉन्च की है, उसका नाम है नंदा बाबा मिल्क मिशन, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश CM योगी आदित्यनाथ की है, याद रखना। और मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, याद रखना ध्यान से सुनना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जो कि मध्य प्रदेश की है, सो याद रखना इम्पोर्टेंट हो सकता है। और ये जो अबुआ आवास योजना ये झारखंड की है, इम्पोर्टेंट है याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इंडियाज फास्ट नाइट स्ट्रेट रेसिंग सर्किट इज बिल्ट इन व्हिच सिटी। कौन सी सिटी में जो कि इंडिया का पहला नाइट स्ट्रेट रेसिंग सर्किट जो कि बनने वाला है। सो याद रखना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चेन्नई। इंडियाज फास्ट नाइट स्ट्रेट रेसिंग सर्किट जो कि चेन्नई में ही होगा। याद रखना नाइट स्ट्रेट रेसिंग मतलब ऐसा है कि नाइट में जो कि रेसिंग होगा नाइट में, याद रखना ये चेन्नई में ही होगा। तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड RRPL, याद रखना RRPL यानी रेसिंग प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर न्यू स्ट्रेट सर्किट चेन्नई में लॉन्च की है। ये इंडिया का फास्ट, याद रखना फास्ट इवर स्ट्रेट सर्किट, एंड साउथ एशिया का, याद रखना तमिलनाडु का चेन्नई में ही, किसने की है, तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड RRPL ने, रेसिंग प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर।
याद रखना। और यहाँ देख लेते हैं, तमिलनाडु का सीएम है एमके स्टालिन, याद रखना तमिलनाडु का सीएम एमके स्टालिन, और गवर्नर है आरएन रवि, एंड स्टेट लेजिस्लेचर है यूनिकैमरल, और असेंबली की बात करें तो 234 सीट है, याद रखना असेंबली 234 सीट है, और कैपिटल है चेन्नई, याद रखना तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई है, और सीएम है एमके स्टालिन, गवर्नर आरएन रवि, और लेजिस्लेचर है यूनिकैमरल, इम्पोर्टेंट है याद रखना। और याद रखना, ध्यान से सुनना, चेन्नई को हेल्थ कैपिटल भी कहा जाता है, याद रखना चेन्नई को हेल्थ कैपिटल भी कहा जाता है इंडिया का, और चेन्नई को 1996 से पहले, याद रखना 1996 से पहले उसे माड्रास नाम से जाना जाता था, और 1996 के बाद उसे चेन्नई नाम दी गई, इम्पोर्टेंट है याद रखना, जो कि तमिलनाडु का कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच सिटी इज द होस्ट ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नालंदा बुद्धिज्म, कौन सा शहर जो कि नालंदा बौद्ध धर्म की राष्ट्रीय सम्मेलन को मेजबानी करेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ले, याद रखना ले जो कि लद्दाख में, याद रखना इम्पोर्टेंट है, हिमालयन काउंसिल नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन यानी आई एच सी एन बी टी यानी हिमालयन काउंसिल ऑफ नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ने ये होस्ट करेगा, ले लद्दाख में स्थित है, लद्दाख का कैपिटल है ले, जिसमें ये मेजबानी करेगा, याद रखना। और लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उसका नाम है बीटी मिश्रा, जो कि रिसेंटली अपॉइंटमेंट मिली है उसे, और लद्दाख का, और याद रखना लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 में एक यूटी बने, यूनियन टेरिटरी बने, याद रखना अभी रिसेंटली यूनियन टेरिटरी की बात करें तो 8 यूनियन टेरिटरी और 28 स्टेट इंडिया में है, याद रखना 8 यूनियन टेरिटरी, इसमें बहुत ही लोग ऐसे कन्फ्यूज भी हो सकता है 8 या फिर 9, सो राइट आंसर इज 8 इज द राइट आंसर, यूनियन टेरिटरी 8 ही है, याद रखना ये भी चित्र में देख रहे हो आप, याद रखना। और लेफ्टिनेंट गवर्नर है बी डी मिश्रा लद्दाख की, इम्पोर्टेंट है 31 अक्टूबर 2019 में यूनियन टेरिटरी बने लद्दाख ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन रिसेंट न्यूज व्हिच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द पीएम उषा कैंपेन, किसने शुरू की है, कौन सी मिनिस्ट्री ने शुरू की है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पीएम उषा कैंपेन शुरू की है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजुकेशन, याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उन्होंने लॉन्च की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और अभी हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, याद रखना अभी जो केंद्र में जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु विल ऑर्गेनाइज द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज तरंग शक्ति इन 2024 में, तरंग शक्ति एक्सरसाइज एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो कि 2024 में ही होगा, याद रखना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना ने ये ऑर्गेनाइज करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप ये भी याद रखना ये जो कि भारतीय वायुसेना ने ऑर्गेनाइज करेगा, और ये अक्टूबर 2023 में ही होने वाला था पर ये 2024 को ही रखा गया है, इम्पोर्टेंट है, जो कि इंडियन एयरफोर्स ने तरंग शक्ति 2023 में मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करेगा, सो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच स्टेट विल ओपन इंडियाज फास्ट ड्रोन टेस्टिंग सेंटर, कौन सी राज्यों ने जो कि ओपन करेगा ड्रोन टेस्टिंग सेंटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु, याद रखना तमिलनाडु ही करेगा, इम्पोर्टेंट है फास्ट ड्रोन टेस्टिंग सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड फ्री आईपीएफ यानी
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट फैसिलिटी इन इंडिया, इंडिया का कौन सी स्टेट कौन सी राज्य जो कि पहला प्रोवाइड फ्री आईवीएफ ट्रीटमेंट, कौन सा राज्य? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गोवा। याद रखना गोवा इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड फ्री आईवीएफ ट्रीटमेंट, इंपॉर्टेंट है फैसिलिटी इन इंडिया। और याद रखना जो कि गोवा के द्वारा ये शुरू की गई है, ये कैंपेन प्रोवाइड की गई है, गोवा का सीएम प्रमोद सावंत, याद रखना प्रमोद सावंत ने ये शुरू की है, ये गोवा मेडिकल कॉलेज में ये फैसिलिटी शुरू की है फ्री में। और याद रखना उसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, उसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, ये जो इनविट्रो याद रखना इनविट्रो फर्टिलाइजेशन उसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। और गोवा का सीएम है प्रमोद सावंत और कैपिटल है पनाजी। और गोवा सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है, याद रखना इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट देखे तो ये गोवा का नाम ही आएगा, गोवा सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है। और गवर्नर है पीएस श्रीधरन पल्लाई, याद रखना श्रीधरन पल्लाई गवर्नर है। और गोवा का स्टेट डे है, ये जो गोवा का स्टेट डे है कौन से दिन को सेलेक्ट की जाती है, 19 दिसंबर, याद रखना 19 दिसंबर को ये गोवा का गोवा डे के रूप में सेलेक्ट की जाती है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो गोवा है, गोवा ऐसे ही पहला स्टेट फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड फ्री आईवीएफ यानी इनविट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट फैसिलिटी इन इंडिया जो कि फ्री में शुरू की है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। When has the central government has set a target to eliminate lymphatic filariasis? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिम्फाटिक फाइलेरियासिस कौन सी ईयर को सेंट्रल गवर्नमेंट यानी इंडिया ने उनका टारगेट फिक्स की है? सो याद रखना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2027 को इंडिया ने उनका टारगेट फिक्स की है, याद रखना लिम्फाटिक फाइलेरियासिस को एलिमेंट करने के लिए उनका टारगेट फिक्स की है। फाइलेरियासिस याद रखना, फाइलेरियासिस मतलब है ये जो पिक देख रहे हो, ये जो स्क्रीन पे जो पिक देख रहे हो इसी तरह पैर हाथी पैर जैसा ही हो जाएगा। और याद रखना ये एक डिजीज है, लिम्फोटिक फाइलेरियासिस एक डिजीज है, एक बीमारी है। और ये जो 2020 में एलिमेंट करने का लक्ष्य रखा है इंडिया ने, याद रखना इंडिया ने, पर दुनिया भर में वर्ल्ड भर में 2030 को ही टारगेट रखा है, पर इंडिया ने जो लक्ष्य रखा है 2027 को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है याद रखना फाइलेरियासिस। इंडिया ने 2027 को ही टारगेट रखा है लिम्फोटिक फाइलेरियासिस को एलिमेंट करने के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस की, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सो याद रखना। और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना। और आप ये सभी का इम्पोर्टेंट PDF लेना चाहते हो तो नीचे दी गई एक टेलीग्राम चैनल है ओडिशा GK वर्ल्ड, इसमें ज्वाइन हो जाना, आपको फ्री में ही मिल जाएगा, सभी इम्पोर्टेंट PDF फ्री में मिल जाएगा। सो मिलता हूँ और एक करंट अफेयर टॉपिक के साथ और एक इम्पोर्टेंट GK के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।